अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मसाला ओट्स रेसिपी। ओट्स रेसिपी आपने बहुत सारी ट्राई की होगी, इस मेथड से आप ज़रूर ट्राई कर देखिए। एक मैंने कढ़ाई लिया है और यहाँ पे हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 टेबलस्पून जितना लो फैट बटर। आप बटर की जगह घी या नॉर्मली ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। बटर मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप प्याज, फाइनली चॉप करके मैंने यहाँ पर लिया है ऑनियन। हम इसको 2 मिनट तक सौते कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/4 स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। पेस्ट की जगह आप यहाँ पे गार्लिक भी फाइनली चॉप कर ले सकते हैं। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम ऐड कर लेंगे 1/2 कप शिमला मिर्ची, 1/2 कप मैंने यहाँ पे कॉर्न लिया है और 1/2 कप मैंने यहाँ पे गाजर लिया है, इसे भी चॉप करके लिया है। 1/2 कप हम इसमें मटर डाल लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, हाई फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। आप यहाँ पे वेजिटेबल्स की क्वांटिटी को बढ़ा सकते हैं या इसको ऐड भी कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी और फूल गोभी और ब्रोकली भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हम 2 मिनट तक इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये आपकी क्रेविंग को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे स्पाइस। 1/2 टीस्पून यहाँ पे हम नमक ऐड कर लेंगे। 1/4 स्पून मैंने यहाँ पे हल्दी पाउडर ऐड किया है और 1/4 स्पून यहाँ पे हम ऐड कर लेंगे लाल मिर्ची। हमने यहाँ पे मसालों की क्वांटिटी बहुत ही कम रखी है क्योंकि हम यहाँ पे मसाला ओट्स लेंगे तो उसमें ऑलरेडी मसाला होगा। अब हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 कप टमाटो। ये हैं 1/2 टमाटो है, मैंने इसे चॉप कर लिया है। हम इसको भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। यहाँ पे मैंने 37 का मसाला ओट्स लिया है, आप चाहे तो सादा भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप ओट्स का लिया है। ये रेसिपी आप अपने डाइट चार्ट में ज़रूर ऐड करिए, ये हेल्दी भी है और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी भी है। 1/2 कप मैंने ओट्स लिया था तो मैं इसमें ऐड कर लूँगी 4 कप पानी। हम यहाँ पे 4 कप पानी ऐड कर लेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे पका लेंगे जब तक ये पानी बिल्कुल भी ड्राई नहीं हो जाता तब तक। अब हम इसे ढककर पका लेंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये पानी सूख जाए और अच्छे से पक जाए। 5 मिनट के बाद आप चेक कर लीजिए, इसमें थोड़ा सा पानी बचा है तो हम हाई फ्लेम पर इसको पका लेंगे। ये रेसिपी आप अपने डाइट चार्ट में ज़रूर ऐड करिए, ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। यहाँ पे मैंने धनिया ऐड किया है। ये रेसिपी आपकी क्रैविंग को बिल्कुल सेटिस्फाई करेगा, ये इतनी टेस्टी रेसिपी है। हम कितनी चीज़ें अवॉइड करते हैं हमारी डाइट के लिए, तो ये एकदम चटपटी भी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। यहाँ पर पानी अच्छे से सूख गया है, रेडी है हमारा मसाला ओट्स रेसिपी। आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दीजिए और इसे सर्व करिए। हमने यहाँ पर थोड़ा सा धनिया डाला है। कैसी लगी आपको ये रेसिपी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक और कमेंट ज़रूर करिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसे ज़रूर शेयर करिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए।